साउंड, आवाज। यस, फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है साउंड। तो जो आप मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं, यस, वो साउंड की वजह से ही है। तो क्या है साउंड, आइए समझते हैं। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग। आपको सुनने का सेंस देती है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो जरूर साउंड पैदा करेगी। एग्जाम्पल, चलिए आपके गले में, यस, यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, यहाँ पर दो, यस, मसल्स हैं जो मूव करती हैं जब एयर बाहर से, यस, आप मुंह में, मुंह के आगे हाथ रख के देखिए, आपको महसूस होगा कि आपके माउथ से एयर बाहर निकल रही है बोलते समय। तो वो जब एयर जो बाहर निकल रही है, यस, वो वोकल कॉर्ड को हिला रही है और हमारे टीथ, टंग और लिप के एक्शन से हम लोग उनको शब्दों में, यस, सिलेबल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो वाइब्रेशन हुआ। कोई भी बॉडी, यस, जब टू एंड फ्रो मोशन करती है तो वो क्या करती है, यस, वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो साउंड तो प्रोड्यूस हो गया, बट हमारे कानों तक कब पहुंचेगा, जब क्या मिल जाएगा उसे, एक मीडियम मिल जाएगा अपने प्रोपोगेशन करने के लिए। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या मैं आपको मून पे पढ़ा रहा होता, यस, मून पे पढ़ा रहा होता, आप मेरे साथ, यस, ऑफलाइन क्लास में होते और मैं आपको, यस, क्लास में ऐसे पढ़ा रहा होता बोर्ड की मदद से, तो क्या आप मेरी आवाज सुन पाते? क्या कहते हैं, नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि मून में एयर नहीं है, मून में मीडियम नहीं है जिससे साउंड आप तक ट्रेवल कर पाए। गॉट इट? सो मीडियम इज इंपॉर्टेंट। आइए, कोई भी बॉडी समझते हैं, कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो उसमें होती है फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितना टू एंड फ्रो मोशन करती है, अगर इसको मेजर कर लिया जाए तो वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, HZ। यस, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। तो साउंड का रेंज, हमारे सुनने की क्षमता, यस, इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ऑडियबल रेंज, यस, हमारे कान से, यस, ह्यूमन बींग्स के कान से सुनने का रेंज, कितने तक फ्रीक्वेंसी की रेंज हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। कितना? 20 हर्ट्ज। और मैक्सिमम कितना? 20,000 हर्ट्ज। यस, अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई तो उसे क्या कहेंगे? यस, अल्ट्रासोनिक। यस, उस साउंड को अल्ट्रासाउंड कहेंगे। कोई एग्जांपल, कौन ऐसा करता है? बैट्स, डॉल्फिन्स, इवन जो बोट्स, शिप्स, सबमरीन्स होती हैं उनमें क्या होता है, यस, उन सब में अल्ट्रासाउंड लगा होता है ताकि वो क्या कर सके, फिशेस को और कोस्ट को डिटेक्ट कर सके। तो अल्ट्रासाउंड बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, अगर लेस देन 20 हर्ट्ज हो तो क्या होगा? यस, तो उस साउंड को कहेंगे इंफ्रासोनिक। यस, एलिफेंट्स जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। यस, आपने और मैंने, यस, वो इंफ्रासोनिक साउंड क्योंकि सुना नहीं होगा, बट यस, एलिफेंट्स जंगल में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेते हैं। आइए एक फॉर्मूले से जानते हैं वेव वेलोसिटी क्या होती है। सो वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यस, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। यस, अब आप कहेंगे सर कहाँ है फ्रीक्वेंसी, कहाँ है वेवलेंथ? तो अगर आप ध्यान से देखें, यस, अगर आप ध्यान से देखें, जब कोई वेव मूव कर रही होती है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। क्या आप समुद्र की वेव के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप समुद्र की वेव के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक वैसी ही वेव है ना। या आप क्या करिए, खिड़की पे एक कोने पर आप क्या करिए, रस्सी बांध दीजिए और दूसरे कोने से क्या करिए, रस्सी को ऐसे पुल कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ऐसा, यस, सांप के आकार का, यस, एस के शेप का पार्टिकल मूव करता नजर आएगा। यस, ये है वेव फॉर्मेशन। तो साउंड में वेव फॉर्म होती है, साउंड वेव। गॉट इट? अब कैसी साउंड वेव होती है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो मैकेनिकल या इलास्टिक वेव, पहला
मैकेनिकल वेव, यस, एक ऐसी वेव जिसके लिए मटेरियल मीडियम अर्थात मीडियम होना जरूरी है, जिस वेव पार्टिकल को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए उन्हें मैकेनिकल या इलास्टिक वेव कहते हैं। आइए ब्रॉडली इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट देयर इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो मैकेनिकल वेव में क्या होता है, यस, काइनेटिक से पोटेंशियल या पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, चेंज टेक प्लेस करता है। ऐसी वेव यस कहलाती है मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। अब ये दो टाइप की होती है, यस, दो टाइप की होती है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की। लॉन्जिट्यूडनल वेव, यस, जब वेव के पार्टिकल, यस, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग, क्या कीवर्ड है, वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब है कि वेव के पार्टिकल उसी दिशा में जा रहे होते हैं, यस, जिस दिशा में वेव के पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। पर वो क्या करते हैं, कहीं वेव के पार्टिकल पास पास में चले आते हैं, हम उसे कहते हैं कंप्रेशंस, और कहीं पे वेव के पार्टिकल्स दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं, हम इसे कहते हैं रेयर फैक्शंस। तो क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस। तो अभी आप जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अपने, यस, अपने मोबाइल से, तो वो साउंड वेव्स जो है आपके कानों पे जो जा रही है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, यस, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल, साउंड वेव्स इन एयर, यस, साउंड वेव इन सॉलिड्स, और साउंड वेव इनसाइड अ लिक्विड, यस। अगर पानी के अंदर आप हैं और आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बोल सके, आप आवाज दे सके, और वो साउंड वेव अंदर ही अंदर क्या होगी, लॉन्जिट्यूडनल वेव के द्वारा, यस, इनसाइड द लिक्विड लॉन्जिट्यूड वेव द्वारा ट्रेवल की जा सकती है। आइए अब ट्रांसवर्स वेव जानते हैं। तो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट नॉर्मल, यस, कीवर्ड क्या है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन। यहां पे पार्टिकल ऑफ वेव नॉर्मल जाते हैं, यस, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर जाते हैं, यस, ऊपर जाना पार्टिकल का और फिर वापस क्या हो जाना, नीचे चले आना। तो जितना वो अपने मीन पोजिशन से ऊपर चले जाते हैं, अवे चले जाते हैं, उतना ही उसका एम्पलीट्यूड होता है, यस, एम्पलीट्यूड मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, यस, मीन पोजिशन जितना ऊंचा चले जाएंगे उससे उनका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और अगर पार्टिकल नॉर्मल मूव कर रहे हैं, यस, नॉर्मल मैंने बताया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, तब क्या हो जाएगा, तब वो क्रेस्ट फॉर्म करेंगे और ट्रफ फॉर्म करेंगे। क्रेस्ट, यस, टॉप ऑफ द वेव, यस, वेव के जो टॉप पार्ट होता है उसे कहते हैं क्रेस्ट, और वेव का जो बॉटम पार्टिकल होता है उसे कहते हैं ट्रफ। ट्रफ सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का, और क्रेस्ट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, और दो सक्सेसिव क्रेस्ट, यस, ये भी क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच की, यस, डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। दो सक्सेसिव क्रेस्ट हो चाहे दो सक्सेसिव ट्रफ हो, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। तो क्या हो रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म करता है ट्रांसवर्स वेव, क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म करती हैं। एग्जांपल, यस, साउंड वेव्स इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर भी साउंड वेव ट्रेवल करती है, यस, अगर आप किसी आयरन के पार्टिकल को या किसी बड़े लोहे की रॉड को एक कोने पर टैप करिए और दूसरे कोने पर कान लगाए कोई व्यक्ति, तो उसको आपकी आवाज सुनाई देगी, यस, वो सॉलिड पार्टिकल्स में साउंड ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव वहां फॉर्म हो रही है, या साउंड पार्टिकल्स, साउंड वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, पानी के सरफेस पे जो साउंड वेव ट्रेवल करती है, यस, आपने लहरें देखी हैं, यस, जो समुद्र में उठ रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो कहीं मत जाइएगा, अभी चैप्टर बाकी है, यस, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस करो, और हाँ, फिजिक्स अब इजी है, और मैंने फिजिक्स पे सारे चैप्टर्स पे, यस, थ्योरी और न्यूमेरिकल के वीडियोस बना रखे हैं। सिर्फ करना क्या है आपको, यस, आपको चैप्टर का नाम लिखना है और लिखना है बाय सर तरुण रूपानी। मैंने क्लास 10th ICSE बोर्ड के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बना रखा है, यस, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें उनको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, नाम है सुपर स्टार्स।
हाँ, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो डेडिकेटेड है सिर्फ आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। सो आई एम वेटिंग टू हेल्प यू आउट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट्स भी इजीली बना सकें।